वेलकम बैक। ये है हमारी क्लास नंबर सेकंड टैली प्राइम कोर्स की। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट टैली प्राइम का, या फिर आप कह सकते हैं टैली सॉफ्टवेयर का। ओके, तो जैसा कि हम सबको पता ही है कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। सो जब भी हम टैली का नाम सुनते हैं या टैली प्राइम का नाम सुनते हैं, तो तीन बहुत ही बड़ी बातें हमारे जहन में आती हैं, दिमाग में आती हैं, वो होती हैं अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड टैक्सेशन। तो बेसिकली ये वही तीन चीज़ें हैं जिस चीज़ के लिए हमारा टैली सॉफ्टवेयर बहुत पॉपुलर है। हमारा टैली सॉफ्टवेयर अकाउंट मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड टैक्सेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। मोस्टली हर बिजनेस इन तीन चीज़ों के लिए ही टैली को यूज़ करता है। अब बात करते हैं कि किस तरह से आप टैली को यूज़ कर सकते हैं, क्या आप उसमें अकाउंटिंग कर सकते हैं, या सिर्फ आप उसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं, या सिर्फ उसमें आप टैक्सेशन कर सकते हैं, या तीनों को साथ में भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, वो कंपनी क्या चीज़ प्रोवाइड करती है। अगर वो कंपनी सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है एंड वहाँ पे उनके पास कोई जीएसटी नंबर नहीं है, ओनली सर्विस प्रोवाइड करती है वो कंपनी और कोई जीएसटी नंबर नहीं है, तो वहाँ पे टैली यूज होता है सिर्फ अकाउंटिंग में। एंड अगर उनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, वो कुछ चीज़ सेल कर रही हैं, जैसे नॉर्मल जो दुकान वाले होते हैं वो जीएसटी नंबर नहीं लेते हैं बाकी, लेकिन वो कुछ ना कुछ सेल करते हैं, तो अकाउंटिंग प्लस इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी यूज़ होता है हमारा टैली प्लान। और अगर आपके पास जीएसटी नंबर है, आप कुछ सेल भी कर रहे हैं, तो बेसिकली आपको अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड टैक्सेशन तीनों चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी टैली प्राइम में। एंड जो हमारा लास्ट ऑप्शन आता है वो आता है अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। अब इसकी हम बात करते हैं कि ये क्या होता है। नॉर्मल इन्वेंट्री एंड टैक्सेशन तो हम समझ गए, लेकिन अकाउंटिंग और टैक्सेशन क्या होता है। बेसिकली अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपकी एक शॉप है, कंप्यूटर रिपेयरिंग की शॉप है आपकी, तो रिपेयरिंग क्या है, बेसिक आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को, उसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं है क्योंकि वहाँ पे कुछ सेल आप नहीं कर रहे, वो सिर्फ सर्विस है। ओके, तो वहाँ पे आपको बस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन की जरूरत पड़ेगी ताकि आप वहाँ पे उनका सर्विस रिसिप्ट दे पाए। सो आपको उस केस में सिर्फ अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन की जरूरत है। अगर वहाँ पे आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया है, तो उस केस में आपको सिर्फ अकाउंटिंग की जरूरत है। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं लेकिन आपके पास टैक्सेशन मतलब जीएसटी के रिगार्डिंग आपने कुछ नंबर नहीं लिया है, तो वहां पे आप सिर्फ ओनली अकाउंटिंग के लिए भी टैली प्राइम को यूज कर सकते हैं। सो एक बार वापस से हम रिपीट कर देते हैं, टैली प्राइम के फोर बिगेस्ट यूज, मतलब चार जो बहुत बड़े ऑप्शन होते हैं जो एवरी बिजनेस यूज करता है टैली प्राइम को, जिसके लिए। तो फर्स्ट आता है ओनली अकाउंटिंग, सिर्फ अकाउंटिंग हैंडलिंग के लिए हम टैली यूज कर सकते हैं। सेकेंड आता है अकाउंटिंग प्लस इन्वेंट्री मैनेजमेंट। थर्ड आता है अगर आपके पास जीएसटी नंबर है, तो अकाउंटिंग प्लस इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्लस टैक्सेशन। एंड हमारा जो कोर्स है, उस कोर्स में हम यही सीखने वाले हैं, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड टैक्सेशन, क्योंकि इसमें तीनों टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो बेसिकली जब हम तीनों टॉपिक सीख जाएंगे, तो ओनली अकाउंट प्लस इन्वेंट्री एंड अकाउंट प्लस टैक्सेशन ये भी हमें आ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट भी है, इन्वेंट्री भी है एंड टैक्सेशन भी है। इसलिए इस कोर्स में हम इस वाले टॉपिक को पकड़ेंगे, हम एक ऐसी कंपनी बनाएंगे, मतलब एक डेमो कंपनी क्रिएट करेंगे, जिसमें हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेंगे एंड टैक्सेशन भी करेंगे। ओके, एंड जो हमारा फोर्थ फील्ड आ जाता है, वो आता है सर्विस बेस्ड कंपनी के ऊपर, उसमें अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन होता है। ठीक है, सो ये सब चीज़ों से हमें पता तो चल गया कि टैली एक टाइप का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। लेकिन जब अकाउंटिंग की बात आती है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है, व्हाट इज अकाउंट, अकाउंट होता क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन हम देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा मतलब बताऊंगा इस डेफिनेशन का। उस मतलब को सुनते ही आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि अकाउंट होता क्या है। ठीक है, एन अकाउंट is a record in accounting system that track the financial activity or specific assessed liability, equity, revenue or expenses. आप इंटरनेट पे कहीं भी ढूंढेंगे तो कुछ इस तरह की ही डेफिनेशन मिलेगी, जिसे पढ़ के हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं अकाउंट के बारे में। लेकिन मैं आपको बताता हूँ आखिर अकाउंट क्या होता है। आपको बस इस डेफिनेशन में आगे की एक लाइन ही याद रखनी है, an account is a record. ओके, अकाउंट एक टाइप का रिकॉर्ड होता है। किस चीज का रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड होता है हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, मतलब पैसे का लेन देन।
ठीक है। अब उस पैसे से चाहे हमने कुछ सामान खरीदा हो या फिर हमने कुछ सामान बेचा हो या फिर हमने कुछ एक्सपेंस किया हो अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, कि बिजनेस में जैसे मेरे को एक टेबल खरीदना था अपने ऑफिस के लिए, तो वो भी मेरा एक बिजनेस एक्सपेंस है, तो वहां पे मेरा पैसा गया। ओके, वहां पे मैंने कुछ सर्विस, जैसे मैंने एक पेन बेच दिया किसी को, तो वहां पे मेरी सेल हुई गुड की। ओके, तो मतलब वहां पे मेरे पास पैसा आया। तो ये सब क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, चाहे पैसे का लेन देन, कहीं पैसा हम दे रहे हैं या ले रहे हैं अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, तो वो हो जाता है हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो अकाउंट हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके रखता है। ओके, अब पहले की बात करें तो पुराने टाइम में होता था, एक हमारे पास बुक होती थी जिसमें हम खाता पूरा लिखते थे कि हमारा कुछ भी सेल हुआ, सेल कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, हम सामान कितने का लेके आए थे, पूरा सब हिसाब हम एक किताब में लिख के रखते थे। ओके, तो उसे हम खाता बुक कहते थे। लेकिन वो टाइम गया जब हम किताब में पूरा हिसाब लिख के रखते थे, अपना खाता मेंटेन करते थे। अब डिजिटल टाइम आ चुका है, अब वही सब चीज हम करते हैं अपने टेली प्राइम में। ओके, तो बेसिकली जो अकाउंट होता है, अकाउंट क्या होता है? रिकॉर्ड होता है। किस चीज का रिकॉर्ड होता है? हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का। ओके, अब बात करते हैं ट्रांजेक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो जैसे कि अभी आपको मैंने बता दिया कि ट्रांजेक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे हमारा सामान बिका वो भी एक टाइप का ट्रांजेक्शन है, हमने सामान खरीदा वो डिफरेंट टाइप का ट्रांजेक्शन है, अपने हमने अपने बिजनेस के लिए कुछ एक्सपेंस किया, हमने कुछ पैसे खर्च किए बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वो भी एक टाइप का अलग ट्रांजेक्शन है। तो बेसिकली बहुत सारे टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, आप तो यानी काउंट भी नहीं कर सकते, नॉर्मली इतने टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं। लेकिन हमने इस कोर्स में ट्रांजेक्शन को सिर्फ दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। ओके, तो जो हमारा पहली कैटेगरी आ जाती है वो आती है नॉर्मल ट्रांजेक्शन, सेकंड कैटेगरी अदर ट्रांजेक्शन। नॉर्मल ट्रांजेक्शन में हमने उन सब ट्रांजेक्शन को रखा है जो रेगुलरली हम बिजनेस के लिए करते हैं, एंड अदर ट्रांजेक्शन में उन ट्रांजेक्शन को रखा है जो हम कभी कभी बिजनेस के लिए एक्सपेंड करते हैं। ओके, तो जो रेगुलर बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं वो होते हैं सेल्स ऑफ गुड, मतलब सामान हमने किसी को बेचा। ओके, उसके बाद परचेस ऑफ गुड, उसके बाद बिजनेस एक्सपेंसिव, देन सर्विस प्रोवाइडिंग, पेमेंट रिसीव या एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पे चार पांच होते हैं, ये हमारे मेन नॉर्मल ट्रांजेक्शन होते हैं जो एवरी डे, यानी एवरी डे के बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे हम करते हैं। ओके, तो उसके बाद जो आते हैं अदर ट्रांजेक्शन। अदर ट्रांजेक्शन होते हैं ओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर जिसे हम फाइनलाइजेशन भी कहते हैं, उसके बाद आ जाता है बैलेंस शीट जिसे हम फाइनल अकाउंट भी कह सकते हैं, उसके बाद लोन, कैपिटल या फिर एक्सेट्रा। तो जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने चार पांच कुछ नॉर्मल ट्रांजेक्शन के टाइप बता दिए, चार पांच कुछ अदर ट्रांजेक्शन के टाइप बता दिए, लेकिन इस कोर्स में हम दोनों टाइप के ट्रांजेक्शन सीखने वाले हैं। ओके, तो हमारा जो ये कोर्स है टेली प्राइम का, इस कोर्स में हम दोनों टाइप के ट्रांजेक्शन देखेंगे एंड उसे परफॉर्म करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर में। जैसे कि सेल्स ऑफ गुड का मैं बात करता हूँ कि हमने कुछ सामान बेचा, तो वो ट्रांजेक्शन हम कैसे टेली प्राइम में परफॉर्म करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। परचेस ऑफ गुड्स तो हम कैसे करेंगे वो भी सिखाऊंगा। इसी के रिगार्डिंग जितने भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे मैंने लिखे हैं वो सभी आपको इस कोर्स में देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा टेली प्राइम के बारे में, वो कॉन्सेप्ट इस वीडियो को देखने से आपका सॉल्व हो गया होगा। तो अब चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक नया अकाउंट ओपन करना सिखाऊंगा कि कैसे आप किसी कंपनी का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं टेली प्राइम में। ओके, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में।